हेलो एंड वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लूसेंट बुक के बारे में। ये इसका होगा वीडियो का पार्ट 3। अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लूसेंट वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे वो दोनों पार्ट ज़रूर देखें। देखिए, इस बुक में जो भी मैं बात आपसे करूँगा आज, केवल वही फैक्ट आपको बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ये लूसेंट बुक की एक्चुअली समरी है। समरी सुनकर के आप प्लीज़ कहीं भागिएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, या समरी में ठीक है कट ऑफ कट बताएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको कट टू कट नहीं, मैं आपको पूरी बुक आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और जो जो आस्पेक्ट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए, वो सभी पॉइंट मैं आपको आज दिखाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बुक है, ये बुक अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके बुक सेल्फ में होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप परचेज नहीं कर पा रहे हैं बुक, फाइनेंशियल काफ़ी वीक हैं या फिर मार्केट आसपास अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इस बुक के कंप्लीट वीडियो, एक एक लाइन आपको मिल जाएंगे। वो ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल आप सुन सकते हैं, लेकिन ये अब बन रहा है वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए पार्ट थ्री में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ था। पहला था आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड करा गया है ये आपको याद रखना है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है आपका क्या? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा काल क्या है? उत्तर वैदिक काल। एग्जाम में कभी कभी आपसे यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है कि वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड करा गया है और उनके ईसा पूर्व क्या है। ऋग्वैदिक काल का जो वर्ष है वो है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो वर्ष है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। आगे हम बात करते हैं। देखिए, आर्य जो थे सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आपसे पूछता है कि आर्य सबसे पहले, उनका निवास स्थान कौन सा था, सबसे पहले आके वो किस स्थान पर रुके थे, बसे थे या फिर ठहरे थे, तो आपको पता होना चाहिए पंजाब और अफगानिस्तान। ठीक है, ये आप एक काम करिए, एक नोट्स बनाइए अपने पास में, जो जो वर्ड मैं जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, येलो से और रेड से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, वो सभी फैक्ट आप लिख लीजिए। नोट्स काफ़ी प्यारे प्यारे बनाइए, साफ साफ लिखिए, क्योंकि ये वीडियो आपने बस केवल एक बार ही वॉच करना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल दो भागों में डिवाइड था, आप लिखिए ऊपर वैदिक काल, फिर लिखिए दो भागों में डिवाइड, फिर लिखिए पहला फर्स्ट ऋग्वैदिक काल, सेकेंड लिखिए उत्तर वैदिक काल, बस। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए आर्य सबसे पहले आए पंजाब एवं अफगानिस्तान में, पंजाब और अफगानिस्तान में ये लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास था, उनकी जो जन्मभूमि कही थी, वो कही थी मध्य एशिया में। इसका क्या है? आर्यों का मूल निवास है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे मूल निवास क्या था, किसने कहा था? ये कहा था मैक्स ने। मैक्स ने क्या कहा था? मैक्स ने ये कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास है वो है मध्य एशिया। क्या है? मध्य एशिया। अब हम बात करते हैं, देखिए आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता किस प्रकार की थी? यदि ग्रामीण सभ्यता, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा आर्यों की भाषा क्या थी। सही में, वास्तव में इनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। और हम बात करते हैं कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन पांच भागों में इस प्रकार से डिवाइड करा गया है, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका क्या था? अब तक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, मध्य एशिया से आए थे ये कहा था मैक्स ने, और वैदिक काल दो भागों में डिवाइड था। आर्य सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे? ये बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए, ग्राम के मुखिया क्या कहलाते हैं? ग्रामीणी, एवं विश का प्रधान कहलाता था विशपति। ठीक है, ग्राम से बना है ग्रामीणी, विश से बना है विशपति। आगे है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। क्या थे? पुरोहित एवं सेनानी क्या थे? यहाँ पर प्रमुख थे। आगे हम बात करते हैं, देखिए बाकी की लाइन आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको कवर नहीं करा। अब बात करते हैं उग्र के बारे में। उग्र क्या थे? देखिए, जैसे कि आप किसी भी जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर एक पुलिस होती है। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ने का।
तो उसी प्रकार से क्या था, उग्र एक 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 पोस्ट थी जिसका काम क्या था, उसका काम था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, उग्र विभाग। या फिर आगे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं इसमें कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, बहुत ही कभी कभी पूछता है, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा था, लेकिन फिर भी जब वीडियो बन रहा है, लग रहा है इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए आपका ये जो बुक है लूसेंट बुक, एक्चुअली इसकी एक एक लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट मैं इस वीडियो में केवल उतना ही कवर कर रहा हूँ जो आपके एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आपने पेन नहीं उठाया है, नोटबुक नहीं उठाई, तो प्लीज़ पेन पेपर उठा लीजिए और इन सबको नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके बनेंगे शॉर्ट से शॉर्ट इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट नोट्स। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या कहता है हमसे कि उपनिषेदों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये सभी तीनों क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि उपनिषेदों की कुल संख्या कितनी है, ये है 108। और बात करते हैं महापुराणों की संख्या कितनी है, 18। और वेदांत की संख्या कितनी है, 6। आप ये तीनों नंबर 108, 18 और 6, इन सभी नंबरों को अपने नोट्स में लिखिए, फिर लिखिए उपनिषेद 108, महापुराण 18 और वेदांग की संख्या 6 है, 6 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीवन भर जो महिलाएं क्या होती थी, अविवाहित, जो शादी नहीं करती थी, मैरिज नहीं करती थी, उन महिलाओं को क्या कहते थे, उन महिलाओं को कहते थे अमाजू। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है MTS एग्जाम में, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सभी आपके सीजीएल के एग्जाम तक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए वो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, सोमरस, ठीक है ना, यह कैसे बनता था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। और आगे हम बात करते हैं, देखिए कि आर्यों का जो मनोरंजन के मुख्य साधन थे क्या थे, संगीत थे, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था और धूत कीड़ा थी। आगे हम बात करते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा। हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि सिंधु के बारे में हमने बात करी थी, सिंधु सभ्यता के द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, तांबा, और उसने सबसे पहला हथियार कौन सा बनाया था, कुल्हाड़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ वो वीडियो जरूर देखिएगा, बाकी आपकी मर्जी। डाटा कम हो, टाइम कम हो आपके पास पढ़ने का, तो आप देख लीजिए, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा करिए, मेरा काम आपको बताना था, मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं आगे कि आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा थी। और व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते थे, उसको कहते थे पणि। क्या कहते थे, पणि। आगे बात करते हैं हम लोग कि ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति, जैसे कि आपने मुझसे कोई कर्जा लिया, उस कर्जे के तौर पे आप मुझे एक इंटरेस्ट देंगे, एक ब्याज देंगे, तो मैं आपसे जो ब्याज ले रहा हूँ, ब्याज जो मैं आपका खा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते थे उस काल में, उसको बोलते थे वेक नोट या बोलते थे सूदखोर। आगे हम बात करते हैं मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। जब मनुष्य देवता के बीच में एक देवता होते थे, उसको बोलते थे अग्नि, अग्नि की पूजा करते थे। अगर मनुष्य की कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, भगवान से जो मांगा वो नहीं मिल रहा है, तो वो पूजा करेगा किसकी, अग्नि की। ये क्या होते हैं, एक मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, ऐसा उस वक्त कहते थे। आगे बात करते हैं हम लोग कि ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में कौन सी नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, या फिर किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है, आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, तो आप याद रखिएगा सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। देखिए इस तरह के फैक्ट भी आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आपने एग्जाम दिया होगा कभी भी सीजीएल का, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि नदियों के बारे में ऋग्वेद से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ठीक है, और किस नदी का केवल एक बार ही ऋग्वेद में जिक्र हुआ है या फिर शामिल करा गया है उस नदी को। तो ये दो नदी है, गंगा और यमुना।
दोनों ही नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब भी राजा का राज्याभिषेक होता था उस टाइम पे क्या होता था, राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल के द्वारा खींची गई जो रेखा होती है, अगर हल जमीन पे चलेगा तो एक लंबी सी एक नाली सी बन जाएगी, एक रेखा खींच जाएगी, एक गहरी रेखा खींच जाएगी, उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को बोलते हैं सीता। मैं अगेन बोलूंगा, ये आपने अगर मॉक टेस्ट दिया होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे। अब आपको लग जाएगा पता कि ये वीडियो कितना इम्पॉर्टेंट है। जितनी मेहनत हम लोग करते हैं मैं चाहता हूं कि उतनी मेहनत आप भी करें, क्योंकि मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपसे आगे कोई दूसरा निकल जाएगा, यही नियम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की सांख्य दर्शन, जिसको बोलते हैं सांख्य दर्शन, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं देखो क्वेश्चंस क्या बन सकता है इसलिए बोलता हूँ आपसे कि एक स्किल्स होती है, ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए आपको कट टू कट अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपके माइंड में ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने मन में एक दो बार उससे संबंधित क्वेश्चंस बना के देखिए। इस तरह से क्या होगा, आपको उसका राइट आंसर भी याद हो जाएगा, और अगर एग्जाम में वो क्वेश्चंस कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछ लेता है तो आप नहीं घबराएंगे, आप जल्द से जल्द उसका राइट आंसर लगा करके अगले क्वेश्चंस पे बढ़ जाएंगे एग्जाम में। तो इसलिए ये स्किल्स डेवलप करिए। अब देखिए यहाँ पूछता है कि भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सांख्य दर्शन। बस इतना ही याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषेद से लिया गया है, इस उपनिषेद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किस उपनिषेद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से करी गई है, ये करी गई है मुंडको उपनिषेद में। ठीक है, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषेद से। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। आगे हम बात करते हैं गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र हम बोलते तो हैं ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये हम बोलते तो हैं, लेकिन हम जो ये मंत्र बोल रहे हैं हम किस देवता को संबोधित कर रहे हैं, हम किस देवता के लिए ये मंत्र बोल रहे हैं, हमको देवता का नाम पता होना चाहिए, वो नाम है सवृत्त नामक देवता, और इसका उल्लेख कहाँ पर है, जिसका संबंध है ऋग्वेद से। आगे हम बात करते हैं कि महाकाव्य दो हैं, कौन से, महाभारत और पुराण। महाभारत का पुराना नाम क्या है, इसका नाम है जय संहिता, और यह विश्व का सबसे बड़ा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। आगे हम बात करते हैं गोत्र की, कभी भी अगर हम लोग अपने नाम के पीछे सरनेम लगाते हैं, जैसे कुमार सिंह मल्होत्रा कपूर पंत या फिर कोई अदर सरनेम लगाते हैं, तो हम पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो गोत्र वोत्र वगैरह, ये जो नामक संस्था का जन्म हुआ ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ये कब हुआ था, ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में आपसे बात करता हूँ ऋग वैदिक कालीन देवता के बारे में, कि देवता का संबंध क्या था, संबंध किससे था, जैसे इंद्र अग्नि ये सारे देवता थे, लेकिन मैंने देवता केवल वही हाईलाइट करे हैं जो आपके SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल उनके बारे में। ठीक है, जैसे इंद्र देवता संबंध रखते हैं युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, किसको बोलते हैं, इंद्र देवता को। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं इंद्र को, और आपको चार ऑप्शन देगा, इंद्र अग्नि विष्णु या फिर मरुत, तो आप याद रखिएगा इंद्र को। तो ये आपको चारों के चारों 1 2 3 4 5 टोटल 5 हैं। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों आपको याद करने हैं, अभी तुरंत वीडियो को पॉज करिए और याद करिए। देखिए इंद्र से संबंधित बात कर ली हमने, देवता एवं मनुष्य के बीच कौन मध्यस्थता का कार्य करता है हमने अभी पढ़ा था, हम किसकी पूजा करते हैं उस टाइम पे, अग्नि देवता की पूजा करते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये था आपका मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है, अग्नि की पूजा की जाती है, अग्नि को जाना जाता है।
तो यहाँ पे आपका अग्नि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूषण देवता, मतलब पशुओं का देवता किसको बोलते थे, पूषण देवता को, और विश्व के संरक्षण एवं पालन करता कौन कहलाते थे, विष्णु भगवान। आगे आंधी तूफान का देवता किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मरुत को। तो ये पांचों के पांचों देवता का किस बात से संबंध है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं महाजनपदों का उदय। ठीक है, महाजनपद से संबंधित एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है जरूर, और आपको पता होना चाहिए। देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। आपको याद रखना है 16 जनपद में पूरा भारतवर्ष बटा हुआ था, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये हमको जानकारी मिलती है बोध ग्रंथ जिसका नाम था अंगुतर निकाय। यहाँ से इसके अध्ययन करने के बाद में, इस ग्रंथ के अध्ययन करने के बाद में हमको पता चला कि हमारा भारतवर्ष टोटल 16 जनपदों में विभाजित था। आगे बात करते हैं जनपद के नाम, क्या क्या जनपद है, महाजनपद अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेरी, कुरु, मत्स्य, कम्बोज, सुरसेन और अस्मक तथा गांधार। तो ये 16 के 16 महाजनपद हैं। आपसे एग्जाम में टोटल जनपद कितने हैं 16 के 16 आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस केवल ये पूछेगा कि महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी, काशी की राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी क्या थी, पांचाल की राजधानी क्या थी, और सुरसेन की राजधानी क्या थी, गांधार की राजधानी क्या थी। तो अब हम बात करते हैं अंग की राजधानी थी चंपा, काशी की वाराणसी, अवंती की उज्जैन, इसको बोलते हैं महिष्मति, पांचाल की थी अहिच्छत्र और कौंपील्य, सुरसेन की राजधानी थी मथुरा, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, देखिए महाजनपद टोटल 16 थे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। इसकी जानकारी हमको मिलती है बोध ग्रंथ, बोध ग्रंथ का नाम क्या था, अगुंतर निकाय से मिलती है हमको जानकारी। और किसकी राजधानी क्या थी ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी, इस वीडियो को पॉज करिए और राजधानी नोट करिए और अभी तुरंत इसको याद करिए। देखिए आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं और वीडियो में बात करेंगे आपसे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म ये पार्ट 3 होगा क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो रही है, मैंने पार्ट 4 को भी इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैन धर्म के संस्थापक जो थे, संस्थापक के बारे में बात करी जाए तो प्रथम तीर्थकर या फिर संस्थापक दोनों का नाम एक ही था, उनका नाम था ऋषभदेव, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्जाम में कई बार पूछता है तो आप इसको स्किप मत करिएगा, ऋषभदेव। आगे बात करते हैं हम लोग, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इजवाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, और ये किसके पुत्र थे, ये थे अश्वसेन के पुत्र। केवल फैक्ट पढ़िए, बाकी लाइनों में आपको ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ना चाहें नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इतना पता होना ही होना चाहिए, एग्जाम देने जाओ तो कम से कम इतना आपको मालूम होना चाहिए कि 23वें तीर्थकर कौन थे, 24वें कौन थे, पहले कौन से थे, और ये पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। और बात करते हैं 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। अब बात करते हैं जन्म की, महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, वैशाली में हुआ था, और इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ, ज्ञातक कुल के सरदार थे, और माता का नाम क्या था, त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये। और महावीर की पत्नी का नाम क्या था, देखिए पत्नी का नाम कई बार पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा, पत्नी का नाम था यशोदा, और इनकी पुत्री हुई थी, उनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रिय दर्शनी। अब बात करते हैं हम लोग की महावीर के बचपन का नाम क्या था, इनके महावीर जो थे इनके बचपन का नाम था वृद्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई से आज्ञा ली, उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली, अनुमति लेकर के वो संन्यास जीवन को इन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे बात करते हैं हम लोग की, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, अरहत और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया, आपसे पूछता है कि महावीर ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कौन सी भाषा में दिया, वो थी आपकी प्राकृत, और इसको बोलते हैं अर्ध मागधी।
आगे हम बात करते हैं। देखिए जैन से संबंधित केवल इतने ही फैक्ट आपको रीड करने हैं। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित करा था। आगे हम बात करते हैं कि देखो क्या हुआ कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद क्या हुआ, भद्र भाइयों अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्र भाइयों के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, उनके विचार आपस में टकराए और उसके बाद में क्या हो गया, पूरा का पूरा जैन मत दो भागों में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर, जिसको बोलते हैं दिगंबर भी बोल सकते हैं, दिगंबर भी बोल सकते हैं। देखिए जो श्वेत कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े धारण करने वाले क्या कहलाए, श्वेतांबर। और भद्र भाइयों के शिष्य कौन थे, दिगंबर, जो नग्न रहने वाले थे, ये अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न है कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपको ऑप्शन में तीनों ही देगा, ठीक है, और ऑप्शंस बी सी डी कोई एक उसमें मिस कर देगा आपको रत्न। ठीक है, तो आपको तीनों ही याद करने हैं और इसको स्किप नहीं करना है। आगे बात करते हैं कि देखिए जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई थी। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदे। अभी हम बात करते हैं, देखिए जो जैन तीर्थकर थे उनके कुछ एक प्रतीक हुआ करते थे, उनके कुछ चिन्ह हुआ करते थे, जैसे ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे इसके जैन धर्म के, तो इनका प्रतीक क्या था, सांड। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि सांड जैन धर्म के किस तीर्थकर से संबंध रखता है, सांड प्रतीक जैन धर्म के किस तीर्थकर से संबंध रखता है, आपको चार ऑप्शन देगा, ऋषभदेव, अजितनाथ, पार्श्व और महावीर। तो आपको राइट आंसर लगा के आना ऋषभदेव। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट पार्श्व के बारे में। ठीक है, पार्श्व नाथ जिसे बोलते हैं, ये थे 23वें तीर्थकर और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प सांप। फिर हम बात करते हैं महावीर के बारे में, महावीर कौन से तीर्थकर थे, 24वें, और इनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो क्या थे, सिंह। देखिए अगर आप ये सभी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये एरिया काफी स्ट्रांग हो जाएगा जो मैंने हाईलाइट करा है। अगर आप इसको रीड कर सकते हैं, सभी याद कर सकते हैं, ऋषभदेव पहले, दूसरे, तीसरे, सातवें, 16वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, ये सभी आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए। आगे हम बात करते हैं फिलहाल कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। आगे जैन तीर्थकर की जीवनी भद्र भाइयों द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई, जिसको बोला गया निर्वाण। ठीक है, और कब हुई थी, कौन से वर्ष में, 468 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हुई थी, और बिहार राज्य के पावापुरी, जिसको पावापुरी ब्रैकेट में राजगीर में हो गई थी, उनकी डेथ कब हुई थी, ये आपसे पूछता है वर्ष 468, याद रखिएगा 468। और आगे हम बात करते हैं, अब हम पहुंचते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में बस केवल इतना ही, अब हम चलते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में सॉरी। चलिए देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योति पुंज किसको बोलते हैं, आपको जैन धर्म से संबंधित कुछ नाम देगा और आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ नाम देगा, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध को ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता जो थे वो थे सुदोधन, ये कौन से थे, शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता जो थी माया देवी की मृत्यु हुई इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, जब इनका जन्म हुआ था 563 में, इनका जन्म हुआ था 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन इनकी सुतैली माँ कौन थी, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनकी एक सुतैली माँ थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, याद रखिएगा कौन सी वर्ष की अवस्था में हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में, किससे हुआ था, यशोधरा से। तो ये इनकी वाइफ का नाम था और इनके पुत्र का नाम था राहुल।
इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। आप याद रखिएगा पुत्र का नाम भी। आगे बात करते हैं सिद्धार्थ। जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कुछ बातें, कुछ दृश्य, कुछ सीन देखे। टोटल उन्होंने 4 दृश्य देखे, जो दृश्य उनके अंदर तक उनके मन को काफी भेद गए। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब मतलब डेड बॉडी, और एक सन्यासी। इन्होंने इन 4 चीजों के दर्शन करे। उसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, गृह त्याग किया। और जिससे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का संबंध किस बात से है? यह है आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। और 29 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने गृह त्याग करा, महाभिनिष्क्रमण का संबंध है गृह त्याग से, सिद्धार्थ के गृह त्याग से। आगे बात करते हैं, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ब्रैकेट में बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से साक्ष्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इनके गुरु कौन थे? आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आपसे एग्जाम में पूछता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। आगे देखिए, इन्होंने इससे शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा जब इनसे ग्रहण कर ली, उसके बाद इनके दूसरे गुरु बने। दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्र कराम पुत्र। ये नाम आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात, इन जिसको बोलते हैं निरंजना या फिर फाल्गु या फल्गु नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? आप इस नदी का नाम याद रखिएगा, नदी के नाम को स्किप मत करना। इस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या करा? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आप याद रखिएगा नदी का नाम क्या? निरंजना, इसको बोलते हैं फल्गु नदी। और कौन से पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। और वह स्थान क्या कहलाया जहां पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी? उसको बोलते हैं बोध गया। आगे, बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? अगर ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, तो आपको याद रखना है पाली भाषा में। देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। देखिए बच्चों, मैं फिलहाल आपको कुछ एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ, कुछ फोर्स करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं वन लाइन टू लाइन पढ़ूंगा ना, तो आप शायद बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं। देखिए, इस चैनल पे एक ऑडियो फाइल है, उस ऑडियो फाइल में दुनिया भर के कमेंट आए, सर इस तरह से पढ़ना, सर हम खुद ही पढ़ लेते, आप क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे क्यों सुना रहे हो, बकवास। काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आए और मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स आए। एक्चुअली वो वीडियो बनाई गई थी जो बच्चे डीफ एंड डाम होते हैं, जो देख नहीं सकते केवल सुन सकते हैं, वो वीडियो उनके लिए थी। अगर काफ़ी बच्चों को वो वीडियो काफ़ी पसंद आई, ऑडियो फाइल काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी लोगों ने लाइक भी करा। अगर मैं उसके बात करूं कि उससे कितने व्यू आए, तो उसके कम से कम 10 लाख से ऊपर के व्यू हैं उसके, केवल एक वीडियो के। अब आप देख लीजिए, अब मैं लेके आया हूँ आपके सामने वीडियो, और वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में और आपको समझाने में। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि ये सभी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आप बोर मत होना, अगर आप इससे भी बोर होते हैं, किताब भी नहीं उठा सकते, ऑडियो फाइल सुन के भी नहीं पढ़ सकते, तो आपके पास जो भी दूसरा ऑप्शन है पढ़ने का, वो अपनाइए। और 2017 को टारगेट बना लीजिए कि इस ईयर में मुझे किसी भी कीमत में जॉब लेनी है, करो या मरो, ये हिसाब रखना है अपने साथ में, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग कि इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे। ये थे बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की जो डेथ हुई थी, वो हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। इनकी डेथ वाली जो केस है, डेथ की जो अवस्था थी, जो ये काल था, इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि, मतलब बोलते हैं अंतिम संस्कार, ठीक है। अंतिम संस्कार किसने करा था बुद्ध का? ये करा था मल्लों ने। आगे हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान
पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म का जो फैला हुआ जो ज्ञान था, इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई कि हाँ इनका ज्ञान इतना विख्यात था, इतना फैला हुआ था पूरे विश्व में, ये हमको ज्ञात हुआ था पाली त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म मूलतः क्या थे? अनिश्वरवादी, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की कोई मान्यता नहीं थी। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जब आपकी इच्छा सब खत्म हो जाती है, मर जाती है, तो उसको बोलते हैं निर्वाण। विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, ये जो कथन था, ये कथन था बुद्ध का। और इन्होंने कहाँ से लिया? ये लिया था उपनिषद से। बात करते हैं थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि बुद्ध के अनुयायी दो भागों में डिवाइड थे, एक थे भिक्षुक, एक थे उपासक। ठीक है, उपासक और भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, मतलब अपना ग्रह त्याग कर दिया, उन्हें कहते थे भिक्षुक। क्या कहते थे उनको? उनको कहते थे भिक्षुक। एक थे उपासक, मतलब जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्या करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, लेकिन वो अपने घर का त्याग नहीं करते थे, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते थे। ठीक है, वो थे उपासक। भिक्षुक मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड, पूरे डिवोटी किसके प्रति थे? बौद्ध धर्म के प्रति। उनको बोलते थे भिक्षुक। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि भिक्षुक का क्या अर्थ है, उपासक का क्या अर्थ है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहते थे? इसको कहते थे उपसंपदा। क्या कहते थे? उपसंपदा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है क्या? बुद्ध, धम्म और संघ। अब बात करते हैं बोध सभाएं क्या क्या हुई थी। पहली बोध सभा किसने रची थी? दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, सभा प्रथम बोध संगीति जो बनी थी, जो सभा बुलाई गई थी, वो बुलाई थी अजात शत्रु ने। ये आप नाम याद रखिएगा और इनका वर्ष आप याद रखिएगा। देखिए, वर्ष भी एग्जाम में पूछ लेता है। और द्वितीय बोध संगीति जो हुई थी, वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली और अध्यक्ष थे इसके सभा कामी, और ये शासनकाल था कालाशोक का। देखिए, तीसरी और चौथी काफी इंपॉर्टेंट है संगीति। ये तीसरी और चौथी दोनों ही आपको याद रखनी है। तीसरी करवाई थी अशोक ने, अशोक के शासनकाल में हुई थी, और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कौन था? कनिष्क था आपका अशोक का पुत्र। और अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग के युद्ध के बाद में। और कलिंग कहाँ पर है? यह उड़ीसा में। और जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ में हुआ था? खारवेल के साथ में। उस समय कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अशोक जीता। और युद्ध भूमि में जब लहू लुहान भूमि जब पड़ी थी, लोग जब मरे पड़े थे, कटे पड़े थे, तो अचानक से एक बौद्ध भिक्षु आया वहां पर, उसका नाम था उपगुप्त। इस बुक में नीचे अभी कुछ टाइम बाद आपको चलेगा पता। फिलहाल बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे कि चौथा बोध जो संगीति हुई थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। देखिए, चौथे बोध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, डिवाइड हो गया। बौद्ध धर्म कौन सी बोध संगीति के बाद दो भागों में डिवाइड हो गया? ये था आपका चौथा बोध संगीति के बाद दो भागों में डिवाइड हो गया बौद्ध धर्म। एक कहलाया आपका हीनयान और दूसरा कहलाया क्या? महायान। ठीक है, महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या था? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बोलते हैं इसको बुद्ध पूर्णिमा। अब बात करते हैं कि बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। यह है आपके दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी और प्रतिपज्ञा। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में बहुत कम पूछता है। आपसे पूछेगा कि क्या बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की, ये अष्टांगिक मार्ग कौन से थे? ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग का परिचलन या फिर निर्माण किसने करा, तो अष्टांगिक मार्ग के संस्थापक कौन थे, इस तरह से पूछ लेता है। आपको चार ऑप्शन देगा, आपको राइट आंसर याद रखना है बुद्ध। ये कौन कौन से थे? ये थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मान, आजीव, व्यायाम, स्मृति एवं समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य के भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। अर्थात
जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, ना ही तो किसी को मरने की चिंता है, ना ही किसी को किसी बात की लालसा है, उसको बोलते हैं निर्वाण। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। देखिए, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। कौन से वाद में? बौद्ध और जैन धर्म में दोनों के मान्यता बिल्कुल सेम है, दोनों के विचार बिल्कुल मिलते हैं, ये है अनिश्वरवाद। आगे बात करते हैं, देखिए कि जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बुद्धिस्ट का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बुद्धिस्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष थे। देखिए, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत हुआ। देखिए, सबसे ज्यादा जो बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था गांधार शैली में। लेकिन बात करें प्रथम मूर्ति संभवतः जो बनी थी वो बनी थी मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, मथुरा कला के अंतर्गत पहली मूर्ति बनी थी और उसके बाद जो मैक्सिमम जो बुद्ध की मूर्ति बनी थी उसमें जो शैली का जो यूज करा गया था वो शैली थी गांधार शैली। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा, नोट करा होगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में उसके साइड में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आज आप किसी की हेल्प करेंगे और वो आपकी कल हेल्प करे ना करे लेकिन वो किसी और की हेल्प करेगा, और ये हेल्प करने का सिलसिला कभी बंद नहीं होना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और जाने से पहले मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि सीरियस तरीके से स्टडी करिए, एक एम, एक गोल, एक सेट कर लीजिए कि 2017 तक मुझे किसी ना किसी कीमत पर सिलेक्शन लेना है। और मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष, इस ईयर में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।